जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमें मार्केट का थोड़ा सा व्यू दें, तो मैं कहा चलें ठीक है। तो देखिए भाई, मैं आप लोगों के लिए सिर्फ 5 से 7 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने बड़े गौर से सुननी है इस वीडियो को ना। अगर आप लोग अपनी लाइफ सेट करना चाहते हो, इफ़ यू वॉन्ट टू सेट योर लाइफ देन यू मस्ट बी वॉच दिस वीडियो विद केयरफुली। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। इसमें रोज़ाना की तरह मैं एक सबक तो पहले दूंगा आप लोगों को। सबक क्या है भाई? लोगों के सिग्नल फॉलो करने से बेहतर है, लोगों के पास जाने से बेहतर है, लोगों का वेट करने से बेहतर है आप लोग खुद से ट्रेडिंग करने सीख जाएं, सीख जाएं, सीख जाएं, सीख जाएं। सही है। मेरा वीडियो बनाने का, एनालिसिस बनाने का, आपके सामने सेटअप शो करने का मेन पॉइंट यही होता है कि आप लोगों को स्ट्रेटजी की समझ आ जाए। ठीक है, देखें तकरीबन मैं 40-60% नॉलेज शो करता हूँ, 40% फिर भी मैं हाइड रख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अपना सेटअप ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट में तो खैर देना नहीं चाहता। तो लेकिन यह है कि मैं दूंगा सही स्लो स्लो करके। अगर आप लोग मेरी सारी वीडियो देख लें तो आप लोगों को ये जो मैं स्ट्रेटजी आजकल शो करता हूँ, सेटअप शो करता हूँ, ये आप लोगों को फुल शो हो जाएगी। फुल आप शुरू को वेरीफाइड कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, फुल सेटअप सीख सकते हो। लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा करके हर किसी में मैंने बताया। तो आज हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वैसे मैंने मार्केट टोटली मार्केट का व्यू देना है। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ अपने GBP NZ की, तो स्टिल पाया है, लेकिन थोड़ा सा डाउन आ सकता है, बल्कि नहीं आएगा डाउन, क्योंकि उसने अपने डिमांड को फिर एक्टिव कर दिया, रिटेस्ट कर लिया है। ठीक है, अब फिर इसने बह जाना है। इसका अगला टारगेट वही है जो हमने मंथ में निकाला था। आप लोग जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा। ठीक है, GBP AUD ये भी पाया स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों को कल का पता है कि कल मैंने दिया था, तो मैंने आप लोगों को शो भी किए थे कि ये अभी अप है। तो वही हमने पुराने ट्रेड के ऊपर, पुराने एनालिसिस के ऊपर फोकस रखा हुआ है। तो अगर GBP कैड की बात करते हैं तो ये भी स्ट्रांग है। ठीक है, मैं इनके आप जाएगा, जैसे देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि 1.73 100 से पाया है, तो वही उस 100 को टच किया है और उसमें निकल रहा है। और GBP USD की बात करता हूँ तो ये भी मैंने बाय किया है, तो अब थोड़ा सा रिट्रेस लगा सकता है, अपने बेस को रिटेस्ट कर सकता है, उसके बाद फिर बाय है। ठीक है, तो अगर मैं GBP JPY की बात करता हूँ तो ये अभी अपने डबल टॉप के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस लगा सकता है, फिर इसने बाय निकलना है। GBP CHF की बात करता हूँ तो वर्ल्ड पूरी इसको सेल कह रही, लेकिन मैं अभी तक इसको सेल नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा और भी होता है, मेरे मेथड ही और है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको सेल बोल रहे हैं, लेकिन मैं अभी सेल इसको नहीं बोलूँगा। ठीक है, हाँ रिट्रेस के लिए आ सकता है, पॉसिबल है, लेकिन अपना जो ज़ाती एक्सपीरियंस कहता है वो इसको बाय लेके जाएगा। ठीक है, बाय कहाँ तक लेके जाएगा वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे से लेवल के लिए हमारा टारगेट जो है 1.31 200 है। ठीक है, अगर मैं इसके फुल लेग का रिट्रेस लेता हूँ तो मेरा अगला टारगेट जो है 1.32 500 है। ठीक है, मेरी लर्निंग के मुताबिक, लोग जो कुछ मर्जी कहते रहे, आप लोगों की लर्निंग को तो मैं नहीं टच कर सकता ना, मैंने तो अपनी लर्निंग शो करनी है। EURNZ की बात करता हूँ तो EURNZ मेरे ख्याल से इसको बाया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्टिल इसने ना एसेलेट किया है ना वो अपने वो किया है, क्या कहते हैं, ट्राइगर कर रहा है, अपना अडर ट्राइगर कर रहा है। तो लेकिन हमारा वो क्या कहते हैं, एंट्री चली हुई है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करती है मार्केट हमारे साथ। तो हालांकि इसने हमारी इवनिंग स्टार भी, मॉर्निंग स्टार भी हमारी एक्टिव की हुई है। ठीक है, तो लेकिन कोई सही सिचुएशन नहीं दे रहा। ठीक है, देखते हैं इसका क्या करता है। EURGBP का भी मैंने बनाया था, मैंने EURGBP का इसलिए बनाया था कि अगर ये हाई लेवल ब्रेक करता है तो बाय निकलेगा। मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, लोग कुछ सोच रहे पता नहीं मैंने कैसे बनाया ये ट्रेंड लाइन का, यही अगर ब्रेक करता तब बाय जाता, नहीं तो ना जाता। EURAUD की बात करता हूँ तो ये सेल है। ठीक है, ये आप लोगों को सेल लाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने अपनी डिमांड बनाई है लेकिन उसको इनवैलिड करके अपनी सप्लाई क्रिएट कर दी है। तो अगर मैं EURCAD की बात करता हूँ तो स्टिल इसने एक्टिव नहीं किया। अगर डेक्सी की बात करता हूँ, देखिए वो EURCAD का मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए मैंने इस लेवल को फाउंड किया। ठीक है, तो मैंने कहा ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो बाय जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अगर EURJPY की बात करता हूँ तो आप लोग चेक कर सकते हो, आप लोगों की ये एंट्री कितने रनिंग में है, कितने पेपर रनिंग में है आप लोगों को पता होगा। देख लेते हैं, हम अभी चेक कर लेते हैं।
यहाँ से हमने बाय किया था तकरीबन 104 पे रनिंग में, ठीक है। तो स्टिल अभी ये प्रॉफिट में है। अच्छा, अगर DXY की बात, अच्छा थोड़ा सा गोल्ड के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। अब गोल्ड ने क्या किया है, गोल्ड ने बेस बना के अपने डिमांड क्रिएट कर दी है, ठीक है। अब ऊपर सप्लाई तक जाएगा, गोल्ड अपने सप्लाई तक जाएगा, ये इसकी सप्लाई खड़ी है पीछे, सही है। अब यहाँ से फिर डाउन आएगा, अब यहाँ सप्लाई तक जाएगा, सप्लाई वाला जो लेवल है 17-10 है, अगर मैक्सिमम जा सकता है तो, सही है, तो यहाँ तक जाएगा, वरना ये डाउन जाएगा। क्यों जाएगा, अच्छा देखें पीछे लोग, कुछ लोग इस चीज़ को फोकस में रख के बैठे हुए हैं, सही है। ये डबल टॉप है, मैं मानता हूँ डबल टॉप है, लेकिन डबल टॉप तब वैलिड होगा जब मार्केट इसको रिटेस्ट करेगी, रिटेस्ट करके दोबारा बैक आएगी, इसका 50% रिट्रेस लेगी, फिर इस पिछले हाई को ब्रेक करेगी, तब हमारा ये डबल टॉप वैलिड होगा। ये यहाँ पे जब वापस आएगी, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग देगी, तब हमारा डबल बॉटम वैलिड होगा, सही है। ये हमारा डबल बॉटम है मैं मानता हूँ, लेकिन इस चीज़ की कन्फर्मेशन तब होगी अगर मार्केट ये लेवल, इस लेवल को टच करती है, फिर दोबारा रिट्रेस लेती है 50%, फिर निकलेगी ऊपर, फिर जब ये रिट्रेस लेगी, यहाँ पे हमें एक हिंट देगी एंट्री करने का, तब मैं मानूंगा कि हमारा ये डबल बॉटम वैलिड है, वरना नहीं है। तो USD CAD का भी मैं अभी बना रहा था, लेकिन मैंने अभी फुल बनाया नहीं है, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करनी, ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तब से लेगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो USD HOFO का मैंने बनाया हुआ है, वो हमारी ऑलरेडी एंट्री चल रही है, यहाँ से हमने करवाई थी, आप लोगों को याद होगा। तो अगर इसकी मैं फुल काउंटिंग करता हूँ, यहाँ से हमने बाय किया है, तो समझ लें 2200 पे सफ़र कर चुका है। तो AUD NZ वो हमारा टारगेट डन हो गया था, AUD USD वो हमारा अभी रनिंग में है, तो CAD JPY हमारा तकरीबन टारगेट डन है, देख लेते हैं। हाँ ये हमारा टारगेट डन है, तो इसको देख लेते हैं, NZ CHF ये रनिंग में है अभी, तो NZD CAD को देखते हैं, ये भी रनिंग में है। अच्छा NZD JPY का अभी मैंने आई थिंक नहीं बनाया, हाँ नहीं बनाया अभी, तो इसको भी हम वॉच करेंगे, ठीक है। अभी इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, तब जाके हम इसमें एंट्री करेंगे, हम ऐसे एंट्री नहीं होने वाले, लेकिन इसकी एंट्री वेरी सुन बनने वाली है, सेल की बनेगी, लेकिन बनेगी, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि पीछे डबल वॉट टॉप है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डबल टॉप है, अब यहाँ पे उसको चाहिए 50 से 60% का रिट्रेस, वो मार्केट कर चुकी है, 50% कर चुकी है, अब यहाँ इस एरिया में हमें देगी बेरिश इनगल्फिंग या कोई सप्लाई देगी, हमें कोई हिंट देगी, तब हम इसको सेल की नज़र से देखेंगे, फिर इसको लॉन्ग टर्म टारगेट भी फाउंड करेंगे, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं इसको काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि उसने डबल टॉप तो वैलिड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब तक वो हमें हिंट नहीं देती तब तक मैं इसको डबल टॉप में काउंट नहीं करूँगा, इसको मैं सेल के रूप में नहीं देखूँगा। तो थोड़ी फास्ट बोल रहा हूँ, तो उम्मीद है कि कुछ लोगों को समझ आ रही होगी। NZD USD की बात करते हैं, तो ये तकरीबन हमारी ट्रेनिंग में है, चेक कर लेते हैं, नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो BTC USD को मैंने 51 से बाय किया था, तो वो तो है ना। अच्छा NZD USD की बात करते हैं, तो ये हमारे रनिंग में है, ठीक है, यहाँ से मैंने बाय करवाया था, आप लोग ग्रुप में भी चेक कर सकते हो। अगर मैं BTC की बात करता हूँ, तो BTC हमने यहाँ से बाय किया था, देखिए स्टिल रनिंग में है, ये तकरीबन 5150 यानी कि यहाँ तक बनता है, यानी कि समझ लो 7200 पे सफ़र कर चुका है। और CHF JPY की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये भी स्टिल उसने हमारा पैन निगेटर एक्टिव ही नहीं किया था, इसलिए मैंने इसको ये लगाया था, ऊपर से मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई थी, नीचे से मैंने ये लेवल लगाया था, मैंने कहा अगर इसको ब्रेक करेगा तब बाय, वरना नहीं बाय। अब ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर है, लेकिन मैं इस ट्रेंड लाइन को वैलिड नहीं करवाऊंगा, ठीक है, वो मैं वैलिड तब करवाऊंगा जहाँ जब यहाँ पर जाके कोई हिंट देगी, तब मैं इसको वैलिड करवाऊंगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा मैं आखिरी मिनट में एक फिर बात कहना चाहता हूँ कि भाई लोगों से सिग्नल लेने से बेहतर है, लोगों के पीछे भागने से बेहतर है, लोगों से अकाउंट मैनेजमेंट करवाने से बेहतर है कि आप लोग भाई खुद से सीख लें, कोई भी सेटअप सीख लें, किसी से भी सीख लें, दुनिया में इतने ट्रेडर बैठे हुए हैं, किसी से भी सीख लें, ठीक है। तो आप खुद से ट्रेड करें, अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ सेट करनी है तो खुद से करें, अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ बिगाड़नी है तो बहुत सारे लोग बैठे हैं बिगाड़ने के लिए, तो आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें, उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाजमी आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।